Samsung Galaxy F62। आज इस वीडियो में हम इस फोन का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको Samsung की दो लेटेस्ट न्यूज के बारे में बताना चाहूंगा। जो सबसे पहली न्यूज है वो 1 अप्रैल 2021 की है, जब Samsung Galaxy F62 के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लेके आया, जिसमें Samsung ने इस फोन के कैमरा को, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया और साथ साथ ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शंस को भी इम्प्रूव किया। और जो दूसरी न्यूज है वो Samsung के वॉइस असिस्टेंट Samsung Bixby के बारे में है। Samsung ने इंडिया में Samsung Bixby 3.0 का वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसमें Samsung बहुत सारे इंडियन स्पेसिफिक फीचर्स लेके आया है। जैसे Bixby वॉइस असिस्टेंट अब इंडियन नामों को, इंडिया की जगहों के नामों को, कुकिंग रेसिपीज को, यहाँ तक कि जो इंडियन रिश्ते होते हैं जैसे भैया, माँ, बाप, दीदी, इनको भी समझ पाएगा। साथ साथ इसी Bixby वॉइस असिस्टेंट में Samsung ने एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, इंग्लिश इंडिया। जब भी आप वॉइस असिस्टेंट को यूज करते हो तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको वहां पे इंग्लिश US, इंग्लिश UK, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, लेकिन अब आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब Samsung का यह कहना है कि Samsung ने Bixby 3.0 वर्जन को Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy S21 में तो लॉन्च कर दिया है, और Samsung का यह कहना है कि अब Samsung इसे बाकी स्मार्टफोन्स में भी इंट्रोड्यूस करेगा। तो देखना यह है दोस्तों कि कब Samsung अपने वॉइस असिस्टेंट Bixby 3.0 के वर्जन को F62 में लेके आता है। दोस्तों Galaxy F62 को यूज करते हुए मुझे 1 महीना हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं इसके सारे फीचर्स को लिस्ट नहीं करने वाला, एक एक करके आपको सारे फीचर्स नहीं बताने वाला F62 के। अगर आपको सारे इसके फीचर्स जानने हैं तो आप मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखो, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा या नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैंने F62 के सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम F62 में क्या फीचर्स अच्छे हैं, क्या फीचर्स Samsung ने इसमें मिस कर दिए, और कौन से फीचर्स में मुझे लगता है कि Samsung को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं, इन सब चीजों पे हम बातें करेंगे। F62 एक भारी, हैवी, बल्की फोन है, और उसका कारण यह है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि अभी तक आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली मिड रेंज फोन में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसका बैक साइड देखूं तो पॉली कार्बोनेट मटीरियल का बना है, Samsung इसे कहता है ग्लास टेक, यानी कि दो मटेरियल्स का बना है ये, प्लास्टिक और ग्लास। लेकिन मेरे ख्याल से Samsung को कम से कम अब एक ग्लास का बैक कवर देना चाहिए, अगर मेटल फ्रेम का नहीं दे सकता है तो। लेकिन अगर आप इसे हाथ में पकड़ते हो तो ग्रिप बहुत अच्छी आती है, बहुत ही स्मूथ ग्रिप है इसकी, और ये 3 कलर वेरियंट्स में अवेलेबल है। और अगर आप बैक साइड में देखोगे तो आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। गैलेक्सी M51 जो कि 7000 mAh का फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, उसमें जो बैक साइड थी उसमें इतना अच्छा डिजाइन नहीं दिया था Samsung ने, लेकिन इस फोन में ग्रेडियंट फिनिश ने इसके डिजाइन को बहुत ही सुंदर बना दिया है। अब इस फोन के बॉक्स में आपको कोई भी केस कवर नहीं मिलता है, कोई भी आपको प्रोटेक्टिव केस नहीं मिलता। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी जो बैक साइड है वो पॉली कार्बोनेट मटीरियल की बनी है, तो अगर आप इसको कहीं पे रखते हो बिना केस कवर के तो आपको यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये फोन लेते हो तो आपको एक प्रोटेक्टिव केस या केस कवर जरूर लेना चाहिए। मैंने भी एक केस कवर लिया हुआ है जब मैंने ये फोन खरीदा, तो इसलिए आपको डिजाइन सुंदर दिख रहा होगा, कोई ज्यादा स्क्रैचेस नहीं दिख रहे इस पे। अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करूं तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। मुझे नहीं पता कि Samsung अभी तक 90Hz का रिफ्रेश रेट क्यों नहीं ला रहा है अपने फोन में, लेकिन उस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साथ में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आपको पता ही है बेस्ट है। इस फोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX682 सेंसर के साथ, 5-5MP के मैक्रो डेप्थ सेंसर कैमरा और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब ये सारे कैमरा सेम है जो आपको M51 में भी मिलते हैं। अगर मैं ब्राइट सनी कंडीशंस में बात करूं, डेलाइट की फोटोग्राफी की बात करूं, तो आपको कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है, डिटेल्स अच्छी हैं, आपको कलर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, डायनेमिक रेंज अच्छी मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम आती है लो लाइट फोटोग्राफी में या नाइट फोटोग्राफी में। नाइट फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर मोड हो
या नाइट मोड हो, मुझे अच्छी फोटोज नहीं मिली। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आपको फोटोज ग्रेनी दिखेंगी, नॉइजी दिखेंगी, आपको अच्छी डिटेल्स नहीं दिखेंगी, और अगर आप नाइट मोड को भी यूज करते हो तो फोटोज को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, और ऐसी फोटोज नहीं आती कि वो रेगुलर मोड से कोई बहुत ही अच्छी फोटोज हैं। तो मेरे ख्याल से लो लाइट फोटोग्राफी या नाइट फोटोग्राफी पे सैमसंग को अब ध्यान देना चाहिए। ये प्रॉब्लम एक सॉफ्टवेयर अपडेट से भी ठीक हो सकती है, तो मेरे ख्याल से सैमसंग को ये करना चाहिए। इस फोन में आपको 7 नैनोमीटर का एक्सोनस 9825 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दो वेरिएंट्स में ये फोन अवेलेबल है, 6GB रैम, 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जिसको आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सोनस 9825 का जो प्रोसेसर है एक फ्लैगशिप चिपसेट है, जो आज से 2 साल पहले 2019 में गैलेक्सी नोट 10 सीरीज के जो फोन होते थे सैमसंग में, उनमें यूज हुआ था। अगर मैं जनरली प्रोसेसर की बात करूं तो जब मैंने ऐप्स को स्विच करने की कोशिश करी तो मुझे कोई लैग नहीं देखा, स्क्रीन में स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ है, मल्टीपल ऐप्स को अगर आप एक बार में यूज करने की कोशिश करते हो तो रैम भी बहुत अच्छी दी हुई है, पावर एफिशिएंसी में फोन अच्छा है, और अगर आप गीकबेंच स्कोर को देखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा सॉलिड है। अब सैमसंग की जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के क्लेम्स हैं वो तो सही है, लेकिन वो आज से 2 साल पुराने जो फोन्स थे उन डिवाइसेस पे टेस्टेड है। तो क्या आज से 2 साल पुराने डिवाइसेस के चिपसेट को हम 2021 के फोन में डालें, ये सही है या नहीं? मेरे ख्याल से क्योंकि ये मिड रेंज फोन में आपको इतना पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एक फ्लैगशिप फोन का प्रोसेसर है, तो सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और आपको इसमें माली G76 का CPU देखने को मिलता है, जिसपे आप हैवी गेम्स को रन कर सकते हो, साथ में आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट पे और हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राफिक्स पे गेम्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्रोसेसर के साथ, इस GPU के साथ। बॉटम स्पीकर इस फोन का काफी लाउड है, थोड़ा सा क्रैकल करता है, थोड़ा सा कान में हिचकिच करती है जब आप कोई चीज लाउड नॉइज में सुनने की कोशिश करते हो F62 में। माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है, हैप्टिक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है अगर आप उसे यूज करते हो। और जब मैंने फोन को यूज किया मुझे कोई कॉल ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। F62 में आपको One UI 3.1 जो Android 11 पे बेस्ड है वो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, और मैं ये बोलूंगा कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर में बहुत इंप्रूवमेंट्स करी हैं। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी, सैमसंग पे जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सैमसंग ने प्राइवेसी पे बहुत ध्यान दिया है इस फोन में। उसके बाद सिंगल टेक कैमरा के जो फीचर्स हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट लेके आया है सैमसंग इस फोन में। नॉक्स 3.7 का सिक्योर फोल्डर आपको मिलता है, जिससे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इस फोन में आप प्राइवेटली रख सकते हो। गलती से अगर आपका फोन किसी और के हाथ में लग जाए तो वो आपकी सारी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। और जब आप फोन को इंस्टॉल करते हो, स्टार्ट करते हो, तो कुछ आपको फालतू ऐप्स मिलेंगी, ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा, लेकिन उन सब ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 25W चार्जर के साथ। 7000 mAh की बैटरी, मुझे नहीं लगता आपको किसी और फोन में इस साइज की बैटरी देखने को मिलेगी। गैलेक्सी M51 में है इस साइज की बैटरी, लेकिन वो भी एक सैमसंग का फोन है और लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, तो बैटरी के मामले में ये फोन क्लियर विनर है, ये बैटरी चैंपियन है। और अगर आपने इस फोन की बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लिया तो आपको 2 दिन तक ले लो, फिर से चार्जर को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आई, जब इतनी पावरफुल बैटरी दी सैमसंग ने तो 25W का चार्जर क्यों दिया, जबकि अगर हम बाकी फोन्स देखें आज मार्केट में तो उनमें कम से कम 50W का चार्जर तो मिल जाता है। 65W का वूक चार्ज, सुपर डार्ट, ऐसे ऐसे चार्जर मिल रहे हैं, तो पता नहीं सैमसंग ने इसमें 25W का चार्जर क्यों डाला। लेकिन अगर आप इस बैटरी को फुल्ली चार्ज करना चाहते हो तो आप ये ले लो, 2 घंटे आपको लगेंगे बैटरी को पूरा चार्ज करने में, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप रात को बैटरी को चार्जिंग पे छोड़ देते हो और सुबह उठते हो, उसके बाद आपको 2 दिन तक चार्जर को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया। और आपको इस बैटरी के साथ रिवर्स चार्जिंग का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि इस फोन से आप अपने किसी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो, तो ये फीचर बहुत जबरदस्त है। और ये सिर्फ बैटरी का काम नहीं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक पावर बैंक का भी काम करता है। अब फाइनली दोस्तों, ये सब चीजें जानने के बाद, एनालाइज करने के बाद, ये सवाल आता है कि क्या आपको गैलेक्सी F62 खरीदना चाहिए या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी के मामले में तो इस फोन के पास कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। डेफिनेटली फोन थोड़ा हैवी है, बल्की है, फोन के साथ आपको सिर्फ 25W का चार्जर मिलता है,
लेकिन इतनी पावरफुल बैटरी, और ये ऐसी बैटरी है जो एक पावर बैंक की तरह काम कर सकती है जब आप ट्रैवल करते हो। रिवर्स चार्जिंग फीचर है और डिवाइस को भी आप इस बैटरी से चार्ज कर सकते हो। तो डेफिनेटली बैटरी में तो इस पर्टिकुलर फ़ोन को 10 ऑन 10 मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो एक्सोनस 9825 जैसे मैंने आपको बताया एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और मिड रेंज में आपको एक फ्लैगशिप डिवाइस का प्रोसेसर मिल जाए जिसमें आप हैवी गेम्स खेल सकते हो, आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एप्लीकेशंस आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन में स्क्रॉलिंग बहुत स्मूथ है। तो मेरे ख्याल से प्रोसेसर के मामले में भी ये फ़ोन क्लियर विनर है। इतना अच्छा प्रोसेसर इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता आपको और कहीं पर मिलेगा। फोटोग्राफी कैमरास की बात करूँ तो F62 की अगर डे लाइट की हम फोटोग्राफी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है कैमरा की, और इस वक्त पे मार्केट में जो बाकी स्मार्टफोन्स हैं उन सब के भी कैमरास इतने पावरफुल हैं कि कैमरास के मामले में तो मेरे ख्याल से पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है हर इंसान की। लेकिन अगर मैं नाइट फोटोग्राफी की बात करूँ, लो लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ, वहाँ पे सैमसंग को थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी F62 में नाइट फोटोग्राफी आपको इतनी क्लियर देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले फ़ोन का बहुत अच्छा है और सैमसंग तो अपने सुपर एमोलेड डिस्प्ले के लिए ही फेमस है, लेकिन मेरे ख्याल से अब सैमसंग को 60 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अगर 120 हर्ट्स नहीं तो 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट तो अपने डिस्प्ले पैनल्स में लाने का सोचना चाहिए सैमसंग को। सॉफ्टवेयर One UI 3.1 की बात करूं तो मैंने नोटिस किया है कि सैमसंग रेगुलरली नए नए अपडेट्स ला रहा है, इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में। इंटरफेस बहुत ही क्लीन है और सैमसंग हर नए फ़ोन के साथ मैंने नोटिस किया है कि अपने सॉफ्टवेयर को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और One UI 3.1 Exynos 9825 के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। सॉफ्टवेयर से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर मैं स्मार्टफोन की मार्केट्स को एनालाइज करूं और ऐसा सोचूं कि ऐसे कौन से फ़ोन्स हैं जो गैलेक्सी F62 को एक तगड़ा कंपटीशन देते हैं, उसमें सबसे पहले आता है वन प्लस नॉट में आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये सब चीज़ें आपको 24,999 रुपये में मिलती हैं। ये सारे फीचर्स तो गैलेक्सी F62 को हरा ही नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नॉर्ड में थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं वो है नॉर्ड एक 5G फ़ोन है और नॉर्ड के अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। दूसरे नंबर पे जो फ़ोन मेरे दिमाग में आ रहा है वो है Mi 10i भी 23,999 रुपये का फ़ोन है, लेकिन उसमें आपको कोई एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलती, आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जबकि गैलेक्सी F62 में आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, और Mi 10i में भी आपको 750G का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो डेफिनेटली Exynos 9825 जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन Mi 10i में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में, मगर अगर हम उसके डिस्प्ले को चेक करें तो वो एक LCD डिस्प्ले है जबकि आपको गैलेक्सी F62 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो डेफिनेटली LCD डिस्प्ले से बहुत अच्छा है। तो अगर हम ये दोनों मेन कंपिटिटर्स OnePlus Nord और Mi 10i को F62 से कंपेयर करें तो एक फीचर गैलेक्सी F62 से इनमें अच्छा है वो है ये दोनों फ़ोन्स 5G ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है और 5G को आने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर मैं सोचूं तो अगर गैलेक्सी F62 में आपको 5G फीचर नहीं मिलता तो वो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इन सब स्पेसिफिकेशंस को ध्यान रखते हुए, कंपैरिजन फीचर्स को एनालाइज करते हुए, मेरे ख्याल से गैलेक्सी F62 एक क्लियर विनर फ़ोन है इस वक्त पे मार्केट में। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बैटरी चाहिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए और एक सुंदर डिस्प्ले चाहिए 25,000 रुपये के बजट प्राइस में, मिड रेंज में, तो मेरे ख्याल से आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 ज़रूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। कैसा लगा आपको मेरा गैलेक्सी F62 का रिव्यू मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड या गैलेक्सी F62 से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है वो भी कमेंट्स में पूछना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।